इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन हाउ दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिस विच आई हैर्लियर वो किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं सो so, इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है कि आप आ, ऐसा कर लें तो हर तरह के बाइसिस से डिसशन आपकी फ्री हो जाएगी और आप हंड्रेड परसेंट रैशनल डिसीशन मेकर बन जाएंगे या तमाम इन्वेस्टर जो हैं अगर वो ऐसा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर फैसले करना शुरू कर देंगे ऐसा नहीं है देर आर सर्टन थिंगस दैट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द डिसशंस फ्राम बींग बानल और उसमें सबसे अहम जो फैक्टर है दैट इज़ ऑडिट ट्रेल्स ऑडिट ट्रेल्स का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग का लेवल अचीव करना है ज़्यादा बेहतर हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए जहाँ से आपको पता चले कि जो भी इन्वेस्टमेंट की डिसीशन मेकिंग है उसमें किस तरह के पॉसिबल बिहेवियरल बाइसेज हो सकते हैं और आप उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि अपने फैसले को ज्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू लुक एट इज के जैसे जैसे मार्केट्स में फ्लक्चुएशन आते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में आपने देखा अक्सर इट्स अ हाईली वोलटाइल मार्केट और उसमें अक्सर बहुत तेजी से अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं कभी हमें खबरों में सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है कभी कहते हैं उसने चार सौ पॉइंट का इंडेक्स ऊपर राइज कर गया है तो इस तरह के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं तो इन अप्स एंड डाउन्स के अंदर हमने हमारे अगर जो इन्वेस्टर्स हैं अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें कि वो बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा खुश ना हो और नंबर्स को देख के ही फैसला करें दुख दुखी हो हो के या खुश में खुशी में आके फ़ैसले नहीं करेंगे तो भी उनके डिसीशन जो हैं वो अनबाइस या बायस बायस के हट बाइस फ्री हो सकते हैं कि वो बिहेवियरल बाइसेस से अंदर असरअंदाज उनके फ़ैसले नहीं होंगे एन अदर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू लुक एट इज़ के हमारा जो एलिमेंट uh, है हमने भी डिस्कस किया था द वे द मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू यू वो किस तरह से फ्रेज हुआ है दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ बायस और हमने इस पर्टिकुलर बायस को बोला था कि ये फ्रेमिंग की वजह से होता है तो जो आपने, आप ने जो एडवाइस देनी है इन्वेस्टर को उसको आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं जब आपको ये पता चल गया है कि द वे सेंटेंसेस फ्रेज किस तरह से एक जुमले को बनाया गया है लफ्स किधर कैसे सजाए गए हैं अपनी बात को कहने के लिए वो मैटर करते हैं कि उसका आउटकम क्या होगा इफ़ यू नो तो आप बिहेवियरल बाइसिस को वो ओवरकम करने के लिए या उनका इफेक्ट को कम करने के लिए आप अपनी जो एडवाइस है फाइनेंशियल uh, एडवाइस उसको इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ के ज़्यादा बेहतर डिसशंस करे और रैशनल डिसशंस करे नेक्स्ट uh, जो चीज़ है जो कि हमें बाइसिस uh, को मैनेज करने में मदद दे सकती है दैट इज़ द फीडबैक कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पहले उनसे आपको क्या नफा नुकसान हुआ है आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर बेहतर तौर पे एनालाइज़ करके फिर आगे सब सिक्ट डिसीशन करेंगे तो इट विल बी अ बेटर आइडिया टू ओवरकम और मैनेज द मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसिस दैट कैन लीड टू ए रैशनल डिसीशन मेकिंग आप इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज कर सकते